गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट सब्जेक्ट जीके क्लास एलकेजी। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे वीक नेम। वीक नेम मीन्स क्या होता है? सप्ताह के नाम, सप्ताह के नाम। हाउ मैनी डेज क्वेश्चन अगर आपसे किसी ने स्टूडेंट्स पुटअप किया है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट 17th of July 2020, और आपसे अगर किसी ने ये क्वेश्चन आपकी मैम ने या आपके पेरेंट्स में किसी ने आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया है, हाउ मैनी डेज इन अ वीक, क्या क्वेश्चन पुटअप किया है? हाउ मैनी डेज इन अ वीक, मतलब एक वीक में, वीक मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं। ओके, अगर ये आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका आंसर क्या देंगे? 7। क्या बोलेंगे? 7 days इन अ वीक। ओके, अभी आप ये क्वेश्चन जो है आपको यूकेजी में रिटन में लिखवाया जाएगा, अभी आप ओरल में इसको लर्न कर लीजिए। हाउ मैनी डेज इन अ वीक? ओके, 7 days। हाउ मैनी डेज? 7 days। ओके, फर्स्ट नेम 7 days होते हैं ना आप वीक में, ठीक है? वीक नेम, ठीक, डेट, सॉरी संडे, फर्स्ट डे कौन सा होता है? संडे, SUNDAY, संडे। नेक्स्ट MONDAY, मंडे। नेक्स्ट TUESDAY, ट्यूसडे, ठीक। WEDNESDAY, तो क्या हो जाएगा? WED, वेड, NES, नेस, DAY, डे, वेडनेसडे। ओके, आप लोग को इतनी बड़ी स्पेलिंग है, लॉन्ग है, तो आप इसको लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, इसको हाफ हाफ करके लर्न करिए। ओके, WED, वेड, NESNES, DAY, डे, वेडनेसडे। नेक्स्ट थर्सडे, क्या है थर्सडे? THURS, DAY, डे, डे सब में ही देखिए डे लगा हुआ है ना, DAY, डे, थर्सडे। ओके, फिर नेक्स्ट है FRIDAY, क्या होगा? फ्राइडे, फ्राइडे। ओके, नेक्स्ट SATUR, सैटरडे, सैटरडे। ओके, देखिए संडे मतलब क्या होता है? रविवार, जिसको आप लोग बोलते हैं संडे। मंडे मतलब सोमवार। ट्यूसडे मतलब मंगलवार। वेनेसडे मतलब बुधवार। थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार। फ्राइडे मतलब शुक्रवार। एंड लास्ट है सैटरडे। सैटरडे आपका क्या? सैटरडे कौन सा लास्ट डे होता है ना वीक का? सैटरडे मतलब शनिवार। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको अपनी कॉपी में, जीके की कॉपी में लर्न एंड राइट करने हैं। वीक नेम आप पढ़ेंगे और लर्न करेंगे, याद करेंगे, और फिर इसको अपनी कॉपी में, जीके की कॉपी आपके पास नहीं होगी तो आप ये वर्क अपना इंग्लिश की कॉपी में ही कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी ये वर्क है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए। रिपीट कर रही हूँ मैं क्वेश्चन, हाउ मैनी डेज इन अ वीक? 7 days। लर्न याद जरूर होना चाहिए, विद स्पेलिंग कोशिश करिएगा, नहीं होता है तो आप ऐसे ही वीक नेम्स करके 7 week names ये ज़रूर याद करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जो भी वर्क दिया रहा है, नीट एंड क्लीन, प्रॉपरली होना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।